हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राइडर बी की आरबी। और अभी हम निकलने वाले हैं नेपाल, तो अपना सेटअप हो गया है। और ये अपनी गाड़ी है आर्टिका, तो इस गाड़ी से हम जाने वाले हैं, तो आपको बताएंगे पूरे डिटेल में। नेपाल में जब जाते हैं तो इंडिया में जो रक्सौल बॉर्डर है वहाँ भंसार कैसे कराते हैं, भंसार करके कितने रुपए लगते हैं और भंसार में क्या क्या चीज लगता है, वो सारे चीज आपको डिटेल में हम बताएंगे। और अब मिलते हैं आगे। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं यहाँ अपने पार्किंग से, तो मिलते हैं आगे क्या क्या होता है। रक्सौल मार्केट है। अभी प्रेजेंट में जो रक्सौल का ट्रैफिक चल रहा है बहुत ही बदतर है। यहाँ के कानून जो भी पुलिस वाले हैं इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये थाना है रक्सौल, जो रूल्स है बहुत ही गंदा है। कोई कहीं कहीं से आता जाता है, ये देख सकते हो राइट साइड से। यही सब है, इतने बहुत बदतर ट्रैफिक नहीं आता है यहाँ का। जा रहे हैं नेपाल, तो नेपाल का जो भी है आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसे जाया जाता है और भंसार पे क्या क्या कराना पड़ता है। ये रक्सौल आ गए, यहाँ से जो बाएं रास्ता कट रहा है, अगर बाएं से आप जाओगे तो रक्सौल स्टेशन पे जा सकते हैं। यहाँ से बस स्टैंड भी है पास में। यहाँ एक मंदिर है और ये रेलवे ढाला, चलो खुला हुआ है नहीं तो बहुत ज्यादा ही टाइम लगता है, यहाँ काफी ज्यादा टाइम लग जाता है ढाला पे। अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो देख रहे हैं राइट साइड में यहाँ जो छतरी लगा के बैठे हुए हैं, ये इंडियन टू नेपाल करते हैं पैसा करेंसी। तो अगर इंडिया जाना चाहते हैं तो नेपाली पैसा को इंडियन करा लीजिए। अच्छा, इंडिया से नेपाल जा रहे हैं तो इंडियन पैसा को नेपाली करा के जा सकते हैं। और ये अपना बॉर्डर शुरू हो रहा है, यहाँ से हमको जाना है राइट। ये जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ आप उधर से आते समय नेपाल वाले लोग यहाँ भंसार कराते हैं इंडिया में जाने के लिए। यहाँ से भंसार वंसार करा के फिर जाते हैं लोग। यहाँ से इंडिया बॉर्डर खत्म हो गया। ये जो पुल आता है ये ना नेपाल में है ना इंडिया में, ये बीच में आता है। काफी ज्यादा ये रोड टूटा हुआ था, अब तो थोड़ा बन चुका है, वो भी बना क्या इसको बराबर कर रखा है सब। ये सामने हम लोग आ गए नेपाल में, इन करने वाला है नेपाल का जो भी है बॉर्डर है, और एकदम मस्त दिखता है। अभी हम नेपाल इन करने वाले हैं, यहाँ शायद जो भी हो पुलिस वाले थोड़ा बहुत चेक करते हैं नेपाली पुलिस वाले अगर कुछ सामान होता है तो। अगर आप पहली बार नेपाल आ रहे हैं कभी तो ये सब ध्यान में रखिएगा, अगर पुलिस वाले कहीं भी रोक रहे हैं तो उसमें भागना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, और आराम से रुकना है, गाड़ी रोक देना है, कुछ ना होगा, बस डॉक्यूमेंट पूछेगा या सामान चेक करेगा और छोड़ देगा आपको, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये आप राइट साइड में देख रहे हैं जो स्कॉर्पियो खड़ी है और पिकअप उकअप जो खड़ा है उसके सामने एक गुमटी जैसा कुछ दिख रहा होगा, तो वहाँ एंट्री होती है ये सब गाड़ी की, बाइक हो या फोर व्हीलर हो जो भी हो, आप वहाँ से एंट्री करा के जा सकते हैं। और वो 4:15 तक होती है नेपाली टाइम, तो उसके बाद एंट्री ओंट्री होता नहीं है, और उसके बाद भंसारिंग कराना पड़ता है। जैसे अभी हम लेट हैं तो मुझे भंसारिंग कराना होगा। ये अपना हो चुका है, फाइनली अपना यहाँ हो चुका है। और यहाँ तीन स्टेप में होता है, जैसे पहले जगह जाइएगा तो आरसी देना होगा आपको, तो ये वाला 2 स्लिप मिलेगा,
और ये दोनों स्लिप लेके आप जैसे थोड़ा आगे जाइएगा दूसरे रूम में, तो वहाँ जाने के बाद एक ये वाला पर्ची मिलता है जहाँ आपको पैसे पैसे भी देने होंगे। तो नेपाली 500 रुपये लगते हैं एक दिन के लिए। उसके बाद अंदर इधर केबिन में आएंगे जहाँ ये दिए होंगे उसके जस्ट पीछे, तो वहाँ आने के बाद यहाँ साइन होता है, सर साइन करेंगे। उसके बाद दो मोहर लगता है, एक पेपर इसका वो रख लेते हैं और एक पेपर हमको देते हैं। तो फाइनली आप समझ गए होंगे अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। तो अभी हम इन करते हैं नेपाल में, चलते हैं आपसे। तो अभी हम यहाँ बॉर्डर से निकल गए हैं, तो यहाँ पहले चेक होता है इस जगह पे। जैसे आप बाइक से आओगे या गाड़ी से आओगे तब भी यहाँ चेक होगा, 110% चांस है, होता ही होता है। अपनी यहाँ चेक हो गई, यहाँ से रसीद देखते हैं लोग, रसीद देखने के बाद छोड़ देते हैं लोग। तो अपनी यहाँ हो गई एक, पहले थोड़े आगे नगर पालिका लगता था, तो अभी ट्रैफिक है वरना हम दिखाते, अभी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग नेपाल में ही हैं और ये दूसरा स्टॉपेज आ रहा है सामने। तो पहले यहाँ एक जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे छोटा सा गुमटी जैसा दिख रहा है, वहाँ पहले नगर पालिका ये लोग काटते थे, नेपाली पुलिस वाले जो भी हो। तो अब नगर पालिका जो कटता था वो बंद हो चुका है, अब नगर पालिका यहाँ नहीं लगता है। तो दूसरा गाड़ी यहाँ चेक करते हैं ये लोग, तो फाइनली देखते हैं जाम है। यहाँ ऑटो ऑटो चेक हो रहा है, देखिए ये लोग पूरी जाम लगा देते हैं चेक करने के चक्कर में, तो यहाँ सामान ही चेक करते हैं बाकी अदर चीज नहीं। तो राइट राइट साइड में जो जाता है ये बाईपास रोड है जो घड़ी घंटा तक ले जाएगा, मतलब तो बाईपास आप बिना मार्केट होके जाओगे। एक नेक्स्ट पड़ता है, तो आज के लिए इतना ही और वीडियो को करते हैं एंड। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं, और आप लोग को जो भी बारे में जानकारी चाहिए उसके लिए। तो थैंक यू।